जब इज्जत ही नहीं रही तो ये मेरी पगड़ी है, मैंने उतार दी है सामने आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे राबिया बाजी और अहमद भाई के बारे में। राबिया लाइफ बहुत ही अच्छा चैनल है और बहुत बड़ा चैनल है। मैं इनके व्लॉग्स डेली देखती हूँ और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं। रात को इनकी एक वीडियो इन्होंने अपलोड की, वो हमने देखी। वो देख के दिल इतना खफा हुआ, इतना ज़्यादा दुख हो रहा था उन लोगों पे जो इतनी घटिया किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जो अच्छे लोगों को बदनाम करते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं राबिया बाजी से ये बोलना चाहूँगी कि राबिया बाजी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम सबकी भरपूर सपोर्ट आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अहमद भाई को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो राबिया लाइफ अपनी वीडियो में बता रहे थे कि किस तरह उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बता रहे थे कि उनके बच्चों के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है और उनकी जान को ख़तरा है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम सब यूट्यूबर का चाहिए कि हम सब एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए खड़े हों। और राबिया लाइफ से हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह ताला अहमद भाई को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो राबिया लाइफ की कुछ क्लिप हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये वीडियो कोई क्लिप्स वो नहीं है, लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यकीन मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं किसी हिसाब से बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वो वीडियोस देखी हैं, मैंने डाउनलोड की हैं, अपने पास ऐसे बुरे बुरे अल्फाजों से नवाज गया, कंजर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा मुझे कहा गया। मैंने उस बहन का क्या बिगाड़ा है, सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैंने सब वो सारी वीडियोस अपने पास डाउनलोड कर लिए। सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं आऊंगा, अगर मैं ना आया तो मैं अपनी माँ से नहीं किसी कुत्ती से पैदा हूँ। अगर मैं 2 दिन में ना आया आपके पास, तैयार रहना आप, क्योंकि मेरी इज्जत पे बात आई है, मेरे बच्चों पे, वो मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरे बच्चों की जान। क्या मैं यूट्यूब पे गुनाह कर रहा हूँ कोई? क्या मैंने अगर ये चैनल छोटा सा एक बनाया था तो अपनी जिंदगी, ये तो आप सब बहन भाइयों की मोहब्बत की वजह से सब हो पाया, मैं आगे आ पाया हूँ। मैंने अपनी मेहनत की है, अपना टैलेंट दिखाया है। लोग सस्ती शोहरत कमाने की खातिर किसी की मेहनत को नहीं देखते। आप सब बहन भाई मुझे कहते थे ना, अहमद भाई अपनी कैप उतार के दिखाओ, अपनी कैप। साथ हो हाँ, और मैं इतनी जलालत, इतनी जलालत। और मैं इन लोगों को ना अब मैं बताऊंगी कि इज्जत होती क्या चीज है। मुझे इतनी तकलीफ है यहाँ पर कि मैं हाँ, किसी सामने पड़ा हूँ, मैं जब देखा है मैंने इसको रंडी तक कहा गया है, क्या इतनी ये गिरी हुई है क्या? नहीं, मेरी इज्जत सिर्फ यूट्यूब पे उड़ाई ना, और अब मैं इनकी इज्जत थानों में उड़ाऊंगी। मैं इनकी कम इज्जत से थानों में कम किसी उड़ाऊंगी। के बारे में बोलने से पहले खुदा का वास्ता है उसकी मेहनत को तो देख लिया करो, उसको देख तो लिया करो, खुद तो आगे आ नहीं सकते हो, किसी दूसरे को हंसता मुस्कुराता क्यों नहीं देख सकते हो? तुम लोगों को एक क्या मिनट, जलन क्या है? एक मिनट। कहते हैं ना कि बुराई का खात्मा बुराई से करते हैं, जहर जहर को मारता है ना। हाँ, अब मैं बुराई का खात्मा बुराई से करूंगी। मैं वो नागन हूं कि डस कर, मेरे डसने से बंदा पानी नहीं मांगता। क्या जानते हो आप हमारी जिंदगी के बारे में? सब कुछ हाँ, आपके सामने है, कराची में कैसे था, क्या हुआ, कितनी मेहनत की, धक्के खाए, एक एक की बातें सुनी, जलील हुए, ख्वार हुए, अल्लाह पाक ने कामयाब किया आप बहन भाइयों की मोहब्बत ने। तो लोगों को काहे की जलन है, क्यों हमें मारने के लिए तुले हुए हैं, क्यों हमारे कोई जीने का हक नहीं है? क्या हम अगर YouTube पे चैनल बना के अपने बच्चों का थोड़ा सा सहारा बने, अल्लाह पाक ने हमें दिया है, तो फिर क्यों आप लोगों से हजम क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? वो ये कह रहे मैं हैं कि आप हम क्यों नहीं, हमने क्यों नहीं घर बना मैं लिया। आप सब बहन भाइयों के सामने हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, हमारा साथ देता कि हमारे मुल्क में ऐसे किसी की जुर्रत ना हो किसी के खिलाफ बात करने की। अगर कोई किसी के खिलाफ बात करे तो उसको पता हो कि उसके साथ आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे अच्छे मुखलिस लोगों के खिलाफ वीडियोस बनी हुई जिनका कोई कसूर, कोई बात, कुछ भी नहीं है।
क्या पाकिस्तान में किसी को सुकून से जीने का हक नहीं है? हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के वजह से हमारा घर से तो पैसे नहीं लेके आते, हमें यूट्यूब भेजता है पैसे, आपसे तो नहीं छीन के आते, आपसे तो नहीं लेके आते। हमारे बच्चों को क्या, हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्यों हमें मारने तक कि रात को यहाँ 3-3 बजे बंदे भेजा जाते हैं, हमारा घर ट्रेस करवाया जाता है।